Solo guys, welcome back to another video with your favorite one and only Wind Blast YT. तो गाइज आज की वीडियो बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो हमारे डिवाइस है उसके अंदर ये स्क्रीन रोटेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है, कुछ इस तरीके से होता है जब हम फायरिंग करते हैं ऐसे आकाश आकाश में चला जाता है। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ इसी तरीके से वो जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। जैसे हम एम करते हैं, एम ऐसे से भागता है, ऐसे करते हैं तो अपने ऑटोमेटिकली भागता है। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, बट अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात ये है कि गाइस देखो आप क्या खेल रहे हो आपका ये डिपेंड करता है कि आप फाइव फिंगर खेल रहे हो, फोर फिंगर खेल रहे हो, थ्री फिंगर खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका मैटर करता है डिवाइस की ग्रिपिंग। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार जो अपना डिवाइस है उसका कवर यूज़ नहीं करते। कवर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार ये प्रॉब्लम होती है ऑटोमेटिकली। देखो जैसे मैं कवर यूज़ नहीं कर रहा तो क्या होता है, मैं फाइव फिंगर प्लेयर हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस होती थी। बट इसका सोल्यूशन मैंने फाइनली निकाल लिया है, वो भी आपको टेक्निकल तरीके से नहीं बल्कि एक फिजिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको जो कि एक्चुअल में वर्क करेगा। वो आप प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। होता क्या है कि जो हमारा डिवाइस होता है वो काफ़ी आजकल पतले लाइट एंड ग्रिप वाले आ रहे हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं ये कई बार आपकी स्क्रीन को टच करती है, आपको पता भी नहीं चलती ये चीज़ इस तरीके से। अगर देखो मैं यही एक साइड पे मैं ये टच कर रहा हूँ, दूसरी साइड में ये कर रहा हूँ, और जैसे मैं एम भी कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो गेम ऑटोमेटिकली ख़राब होएगी। आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, मोमेंट देखो स्टक हो गई और यहाँ पे मैंने इसको टच कर रखा है, तो ये प्रॉब्लम कई बार आती है। तो उसके लिए आप देखो सबसे पहली बात तो आपको कवर यूज करना पड़ेगा। अगर कोशिश कीजिए, अगर मार्केट से ये अवेलेबल हो सकता है आपके डिवाइस के लिए बम्पर स्क्रीन गार्ड जिसके अंदर आपको थोड़ी सी एजेस उठी मिलेगी, तो क्या होगा आपकी हाथ की हथेली का एरिया अगर स्क्रीन को टच नहीं करेगा, और देखिए इस चीज को नोटिस कीजिए, अगर ये टच नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं होगी मल्टी टच की, और अगर टच कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और उसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ कि आप सेटिंग्स ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल बेसिक कंट्रोल में ही ऑप्शन मिल जाता है जब आप अपना ADS ओपन कर रखे होते हो। यहाँ पे लिखा है कैमरा रोटेशन वाइल ADS, तो ये डिसेबल रहना बहुत जरूरी है। दिखाता हूँ इसे ऑन करने के बाद, अगर मैं थंब प्लेयर हूँ एक हाथ से मैं फायर कर रहा हूँ तो मैं एम भी इसी से करूँगा, समझ रहे हो, मैं यहाँ पे एम नहीं कर सकता। सपोज मैंने इसको यहाँ लगा रखा है, समझिए ना मेरी बात को, तो मैं इसी से एम करूँगा ना, ड्रैगिंग वगैरह। फिंगर खेलते हो, थ्री फिंगर, टू फिंगर, थंब के अलावा थ्री फिंगर खेलते हो तो भी आपको ये ऑन रखना है, लेकिन फोर फिंगर खेलते हो तो आपकी एमिंग अलग हो जाती है। मैं फाइव फिंगर खेलता हूँ तो मेरी भी एमिंग अलग हो जाती है, तो बस इतनी सी, बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको ये जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं जेन्युइन ट्रिक्स देता हूँ, फिजिकली और टेक्निकली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ इस चैनल पे। काफी दिनों से रेगुलर नहीं था, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा, और साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि मैं अब रेगुलर हूँ तो फटाफट चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर थे मेरे पुरानी चैनल पे जो कि एक्चुअल में चला गया है, तो फिर से वो टारगेट पूरा करना है, बल्कि 50,000 तो नहीं बल्कि 1,00,000 सब्सक्राइबर को हिट करना है। तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा घंटी बजाओ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो में आज की इतना ही, चलता है किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स और काफी सारे अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर, गुड नाइट, शाबाश।